राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत होते ही कांग्रेस ने बीजेपी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी पर सदन में अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इस पर हंगामा शुरू हुआ और कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऊपरी सदन में शुक्रवार को कश्मीर हिंसा के मुद्दे को भी उठाया गया। कांग्रेस ने नकवी पर आरोप लगाए तो बाकी विपक्षी दल भी समर्थन में उतर आए। इसके बाद सदन में शोर बढ़ गया। इंडोनेशिया सरकार ने परिजनों, मानवाधिकार समर्थकों और विदेशी सरकारों की माफी की सभी अपील ठुकरा दी है। गुरदीप समेत 14 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि गुरुवार को इनमें से 4 को मौत की सजा दे दी गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरदीप की पत्नी से फोन पर बात की है। घर में मातम का माहौल है, लेकिन पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को अब भी आशा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मौत की सजा की व्यवस्था कर जाएगी। जालंधर के रहने वाले 48 साल के गुरदीप को 300 ग्राम हेरोइन के साथ 2004 में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई है। इस संबंध में वकील HS फुलका ने बताया कि अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह को 40,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है और 15 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में पेशी के पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान से सुर्खियां बटोरी। दरअसल केजरीवाल ने कोर्ट में पेश होने से पहले कहा कि मजेठिया में हिम्मत है तो 6 महीने में मुझे गिरफ्तार करके दिखा दे, नहीं तो 6 महीने बाद मैं मजेठिया को गिरफ्तार करके दिखाऊंगा। सड़कों पर गाड़ियों की नहीं खत्म होने वाली खतार के बीच शुक्रवार सुबह एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। इलाके में एहतियातन धारा 144 लागू की गई है। वही पुलिस ने दिल्ली के लोगों से गुड़गांव की तरफ नहीं आने की अपील की है। सड़क पर महाजाम के मद्देनजर गुड़गांव के कई स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। NH8 और सोहना रोड पर सबसे अधिक और लंबा जाम लगा है। वही हालात से निपटने के लिए मुख्य सचिव ने जिम्मेदार विभागों साथ की बैठक की है। इस बीच गुड़गांव पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि अगर वे दिल्ली से सड़क के रास्ते गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं तो ना आए। गुरुवार शाम को जब लोग दफ्तर से अपने घर जाने के लिए निकले तो जाम में फंस गए। ये जाम शाम 6 बजे से लगा हुआ है। यहाँ नीलम वैली में आज चुनावी पोस्टर्स पर कालिक पोती गई और पाकिस्तानी झंडे जलाए गए। इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया जिसमें लोगों को चोटें आई। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा वर्षों से POK और बलूचिस्तान में होता आ रहा है। चुनाव के बाद 21 जुलाई को मीरपुर में 3 शव और 25 तारीख को मुजफ्फरबाद से 2 शव मिले। इन शवों पर गोलियों के निशान हैं। शव के पास से जो गोलियां मिली है वह पाकिस्तानी सेना की है। लोगों का आरोप है कि चुनावों में धांधली की गई और जिसने उनके खिलाफ आवाज उठाई उनको मौत के घाट उतार दिया गया। विशेष सुरक्षा दस्ते ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि 15 अगस्त को आतंकी संगठन किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में तमाम सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार स्वतंत्र दिवस समारोह के दौरान लाल किले में प्रधानमंत्री के मंच को बुलेट प्रूफ शीशे से ढकने को कहा गया है। एजेंसियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उनकी सलाह को अनदेखा नहीं करेंगे। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी पलों में बुलेट प्रूफ मंच से भाषण नहीं देने का फैसला किया था। UN की आम सभा ने इस मसले पर फैसला अगले सत्र के लिए टाल दिया है। भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी के ग्रुप 4 ने आम सभा के इस फैसले पर निराशा जताई है। भारत ने G4 देशों के साथ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मौजूदा सत्र में इस मुद्दे को लेकर माहौल नहीं बनाया जा सका। संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील के राजदूत ने G4 देशों की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि UN 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में बहुत समय से लंबित सुधारों को क्रियान्वित करने में सफलता हासिल करने और 10 दिशा में आगे बढ़ने में नाकाम रहा। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मनोहर पर्रिकर ने बगैर नाम लिए एक चैनल पर सवाल उठाया, आखिर देश के खिलाफ बोलने का क्या मतलब है। एक आतंकवादी के मारे जाने पर कई चैनलों के प्रसारण में मैंने जो देखा है वह सही नहीं है, आखिर कोई कैसे ये सवाल पूछ सकता है कि इसको क्यों मारा। अब एक टेररिस्ट को नहीं मारेंगे तो किसको मारेंगे।
आम आदमी पार्टी के शीर्ष सूत्रों के माने तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्र दिवस के दिन नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू 25 जुलाई को मीडिया के सामने आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धू ने शायराना अंदाज में बीजेपी पर निशाना भी साधा और पंजाब से लगाव का जिक्र किया था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इन सवालों को टालते नजर आए कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। पटना में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए लालू ने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल आदि राज्यों में इस प्रकार का नौकरी में आरक्षण लागू है। इन राज्यों की तरह बिहार में आरक्षण लागू होना चाहिए। लालू ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संबंध में बात करें। उन्होंने कहा कि बिहार में उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी के कारण यहाँ के विद्यार्थियों को इसके लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, पर जब नौकरी की बात आती है तो स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान होने के कारण उन्हें इससे वंचित रहना पड़ता है। उन्होंने कल गुपचुप शाम 6:30 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। खान ने कहा कि कल एक नाटक देखा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। खान ने बताया कि 2 महीने पहले उन्होंने अपनी हत्या की साजिश के बारे में उपराज्यपाल और गृह मंत्री को पत्र लिखा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। उन्होंने गृह मंत्री से मांग की है कि सुरक्षा दी जाए। ऑटो टैक्सी यूनियन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी बुधवार सुबह से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी। ऑटो टैक्सी यूनियन का कहना है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान कमेटी ने अपनी बात रखी, जिसके बाद सरकार ने हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली सरकार ने बताया कि NCR से आने वाले ऑटो और टैक्सी वाले वापसी में दिल्ली से बाहर सवारियां नहीं ले जाएंगे। ऐसा करने वाले ऑटो टैक्सी वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय और सरकार द्वारा घोषित बैंकिंग सुधारों के विरोध में इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। 9 बैंकों की कर्मचारी और ऑफिसर्स यूनियनों के प्रमुख संगठन UFBU ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, जिससे चेक समाशोधन, नकद जमा और निकासी और अन्य सेवाएं प्रभावित होने के आसार है। UFBU 8 लाख बैंक कर्मियों का प्रतिनिधित्व करता है। SBI सहित ज्यादातर बैंकों के ग्राहकों को सूचित कर दिया गया है कि 29 जुलाई को हड़ताल की वजह से सेवाएं प्रभावित हो सकती है। सैफुल्ला से चली पूछताछ से नए सिरे से ये तस्दीक हो रही है कि पाकिस्तान भारत में लगातार आतंकवादी और फिदायीन भेज रहा है। सैफुल्ला ने बताया है कि कश्मीर में जो हालात है उनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अभी भी ऐसे कई कैंप पाकिस्तान में हैं जहां लश्कर और दूसरी तंजीमों के आतंकवादियों को ट्रेन किया जा रहा है। इस सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं। मौका सार्क सम्मेलन का है, लेकिन माना जा रहा है कि आतंकवाद पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस ने भी माना है कि राजनाथ को जाना चाहिए।